जब और नज़दीक आ जाएगा, इतना आ जाएगा तब तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। पूरा ये उंगली पर के ये चाम ये छिलने लगता है, यहाँ पे उधड़ने लगता है। तो दोस्तों हमने कुछ आधा ज़्यादा खटिया तैयार कर दिया है। हेलो दोस्तों, स्वागत आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी मुझे जाना है बगीचे में, लेके जा रहा हूँ खटिया बीनने, क्योंकि कल शुरुआत किया था तो कल हुआ नहीं था, कल चला गया था सिंचाई करने, शाम को समय नहीं मिल पाया था, तो अभी लेके जा रहे हैं। और काफ़ी धूप भी हुआ है इसलिए हम बगीचे में लेके जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा थोड़ा हवा लगेगी तो गर्मी कम होगी और आराम कर करके बीन देंगे पूरा खटिया को। यहाँ पे मैंने रखा है सारा रस्सी घुमेट करके, मैं नया रस्सी भी लेके आया था शाम को, कम पड़ गया था। तो यहाँ पे रखा हुआ है खटिया, इसके ऊपर देखो चादर डाल दिया है, इसको उतार लेते हैं। काफी धूप हुआ है, देखो सारा कपड़ा सूखने के लिए डाल दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डोरा भी पड़ा हुआ है और ये है हमारा खटिया। तो देखिए हम खटिया लेकर आ गए बगीचे में। यहाँ पे थोड़ा जगह जगह पे छांव है क्योंकि काफी यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, तो यहाँ पे आराम से आराम कर करके धीरे धीरे बीन देंगे, बना देंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा काफी। तो अभी शुरू करते हैं, पहले ये वाला शुरू करते हैं, इसको पहले बांध देते हैं क्योंकि सबसे पहले ये जरूरी होता है, नहीं तो इधर का हिस्सा उधर चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम कुछ ऐसे ही नॉर्मल खाली नॉर्मली बांध देंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। ये खटिया हम ये शुरू कर दिए हैं बनाना और यहाँ से हम डिजाइन निकालना भी शुरू कर दिए हैं। यहाँ से हम डिजाइन निकालेंगे, जैसे इधर निकलेगा वैसे सेम उस साइड भी निकलेगा, और ऐसे धीरे 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 आते आते पूरा जगह भर जाएगा। तो दोस्तों हमने 3-4 घंटे मेहनत करने के बाद इतना खटिया तैयार किया है, अभी और बाकी है, और अभी रेसिपी ख़त्म हो गया है, खाली इतना ही बचा, एक बंडल, इतने से हो नहीं पाएगा, अभी और लाना पड़ेगा। 2 किलो रस्सी हम लाए थे, 2 किलो वजन से, 2 किलो में इतना लग गया, अभी थोड़ा सा और 4 अंगूर उधर से, 4 अंगूर उधर से बन पाएगा इतने बंडल में, बाकी और लाना पड़ेगा, कभी हमको 1 किलो और लाना पड़ेगा। तो हम नया बंडल फिर से लेकर आए, ये 1.25 किलो है, इसको भी बना लेते हैं बंडल उसके जैसा, इसको खोल गया उसके बाद फिर से चालू करेंगे इसको बनाना। पूरा प्लास्टिक से कवर हुआ होता है अच्छे से, ताकि ये ख़राब नहीं हो, तो प्लास्टिक हमने हटा दिया। बढ़िया से इसको पैकिंग करते हैं, और ये डोरा भी अच्छा है, बढ़िया वाला क्वालिटी वाला है और ज़्यादा दिन चलता भी है ये। देखिए इसको कैसे डबल डबल डोरा से उस बांधा हुआ है, इधर भी बांधा हुआ है, इधर भी बांधा हुआ है। तो दोस्तों हमने डोरे खोल दिया, अब इसको आराम से इसको बंडल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, पैर में लगा के इसको बना लेंगे। अभी देखिए इसको निकाला तो कैसे ऐठन हो गया इसमें, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें ऐठन रहता है। अब इसको इस तरह से बांध लेंगे इसको, देखिए हमने इसको एक डंडा जैसा बना लिया, इसी डंडे में हम लपेट देंगे ऐसे सारे, इसको दो जगह बनाएंगे, दो बंडल बनाएंगे इसके जैसा सेम सेम। देखिए हमने बंडल का आधा तो इसमें कर दिया, अभी आधा ये बचा है, तो एक इसको काट लेंगे बीच में से रस्सी में से, और उसको भी दूसरा इसके जैसा बना लेंगे, क्योंकि एक बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो दिक्कत होगी हमको खटिया बनाने में, तो यहाँ से काट लेते हैं। तो देखिए हमने टुकड़ा काट के इतना अलग कर दिया, अब इसको यहाँ पर साइड में रख देते हैं, अब इसको फिर से हम दूसरा बंडल बना लेते हैं। तो हमारा दोनों बंडल तैयार हो गया, ये भी तैयार हो गया और ये दूसरा ये भी तैयार हो गया, अब इसको जॉइंट कर लेंगे हम इसमें। देखो ये टुकड़ा ख़त्म हो गया था, यहाँ से यहाँ पर जॉइंट करेंगे यहाँ पे, ताकि ये बीच में ना आए, जो इसका गांठ है इधर ही रह जाए, बीच में ना जाए, तो इसको यहाँ पे जॉइंट करेंगे, यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं इसको, फिर से शुरू कर देते हैं बीनना। देखो डिजाइन निकालते हैं कैसे, देखिए इसको हम कैसे डिजाइन निकालते, देखिए ये जो रस्सी है, हम इसको 3 रस्सी के नीचे से ले जाएंगे, फिर 3 नीचे
तीन रस्सी ऊपर, तीन रस्सी नीचे, ऐसे ही कर करके तीन तीन का अंतर रहेगा, तीन ऊपर तीन नीचे, तीन ऊपर तीन नीचे, ऐसे पूरा प्रोसेस रहेगा और पूरा खटिया तैयार कर देंगे ऐसे ही कर करके। यही इसका डिजाइन निकालने का फॉर्मूला है। बस मैं एक ही जानता हूँ, इसके अलावा नहीं, दूसरा मैं नहीं जानता। बस एक ही डिजाइन मुझे आता है बनाना। देखिए ऐसे ऐसे तीन ऊपर तीन नीचे, तीन ऊपर तीन नीचे बनाएंगे। तो चलिए काम को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने कुछ आधा ज़्यादा खटिया तैयार कर दिया है और अब इसमें हमको काम करना है फिर से दोबारा। ये जैसे हमने जो एक गैप छोड़ा है एक दूसरे के रसरी के बीच में जो गैप है उसको और हम कम करेंगे, जैसे नज़दीक नज़दीक ऐसे करेंगे। जैसे मान लीजिए सब गैप ज़्यादा है तो इसको ऐसे करेंगे, एकदम पास पास में करेंगे ताकि ये जो जगह कम हुआ है तो अब ये थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा पूरा और इस साइड भी पूरा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लकड़ी ले लिए, देखिए कुछ इस तरीके से हम फंसा फंसा के ऐसे नज़दीक नज़दीक करेंगे और ताकि जगह बचे और अच्छा से और घना हो और मजबूत भी हो। तो दोस्तों देखिए हमने दोनों तरफ से घास दिया, दोनों तरफ देखिए गैप कम हो गया, कितना कम हो गया, पहले ज़्यादा था इससे भी थोड़ा ज़्यादा था, अभी देखिए कितना कम हो गया है। इस साइड भी मैंने ऐसे किया और उस साइड भी मैंने पूरा कर दिया और देखो बीच में जगह ज़्यादा हो गया है, पहले यहाँ तक और यहाँ तक जगह था, देखो इतना यहाँ छूट गया और इतना यहाँ छूट गया, अभी अच्छा से बन जाएगा और घना। दोस्तों देखो अब नज़दीक आ गया है, पूरा होने वाला है खटिया हमारा। तो देखो कैसा ऐठन पड़ने लगा रस्सी में, इसको ऐठन निकालने में भी समय जाएगा क्योंकि जब ढीला रहता है, जब शुरू करते हैं तो ढीला रहता है तो इतना ऐठन नहीं पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से हम ऐठन छुड़ाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐठन लग गया है रस्सी में। देखिए सब ऐठन निकल रहा है कैसे। देखिए जब हम बनाना शुरू किए थे तो पूरा जगह था तो उंगली भी आराम से चली जाती थी, अभी उंगली भी देखो टाइट हो गया पूरा, तो उंगली भी अंदर घुसाने में निकालने में दिक्कत हो रही है। जब और नज़दीक आ जाएगा, इतना आ जाएगा तब तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, पूरा ये उंगली पर के ये चाम ये छिलने लगता है, यहाँ पे उधड़ने लगता है, इतना टाइट हो जाता है, इसमें उंगली नहीं घुस पाती है जल्दी जल्दी अच्छे से, बहुत मुश्किल से पूरा हो पाता है। अभी तो थोड़ा ठीक है, फिर भी दिक्कत होना शुरू हो गया है, जब इतना नज़दीक आ जाएगा तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए फटाफट इसको बना के पूरा करते हैं जल्दी से। दोस्तों हमने लगभग खटिया पूरा बना के तैयार कर दिया है, खाली थोड़ा सा ही बचा है, मतलब आधे घंटे का काम है। अब इसी तरीके से पूरा भर जाएगा तो ये रस्सी को उधर बांध देंगे, पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। और जो ए है ये निकाल के और मजबूत रस्सी इसमें बांधेंगे और हो जाएगा पूरा खटिया कम्प्लीट हो जाएगा, सोने के लिए आराम से कहीं भी ले जाकर इसको सो सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो से, जब तक लिए बाय बाय।